अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर, मेरा नाम जान बहजत है और आज हम आपके लिए W211 E63 AMG का रिव्यू लेकर आए हैं। सबसे पहले पावर फिगर्स 6.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड V8 है इस गाड़ी में, सुना भी देते हैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे। तो 507 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ ये गाड़ी आपको 0 to 100 4.4 सेकंड में लेके जाती है। कोई खाली रोड आती तो आपको टेस्ट करा देंगे। ओवरऑल ये ऑब्वियसली कन्वर्टेड E63 है। 2 to 3 महीने, 2.5 महीने लग गए थे इस कन्वर्जन प्रोसेस को। यहाँ पर मेजर जो टाइम लगा था E200 ढूंढने में, यहाँ पे टाइम लगा था। जो E63 है, कंप्लीट गाड़ी इन पार्ट्स आई थी दुबई से इंपोर्ट होके, वहाँ पे सारी सिलेक्शन वगैरह होके ये गाड़ी ढूंढ के पाकिस्तान आ गई थी। E200 ढूंढी जब, उसके बाद जब इट कन्वर्जन इटसेल्फ जो थी 6.5 दिन के अंदर ये गाड़ी हेड टू टो, ब्रेक कैलिपर्स, फ्रंट लाइट्स, इवन टेल लाइट्स, इवन द रूफ़, इसको रिबिट से उतार के इसको रूफ भी रीअटैच की गई है। जैसे आप सनरूफ देख रहे हैं यहाँ पे, यूजुअली लोग एक्सटीरियर करा लेते हैं, इंजन करा लेते हैं, कन्वर्ट इंटीरियर नहीं कराते। इसमें कंप्लीट इंटीरियर एक्सटीरियर ये कन्वर्टेड है गाड़ी। स्टेयरिंग व्हील AMG स्टेयरिंग व्हील विद द पैडल शिफ्टर्स आपको मिल रहा है। AMG सीट्स हैं, ये CLS इंस्पायर्ड आपको सीट नज़र आएंगी। बकेट सीट्स तो नहीं कह सकते, लेकिन जब आप साइडवेज जाते हैं इस गाड़ी में तो आपको इंटैक्ट रखती है ये। बीच में आपका स्पीडोमीटर आ गया, मैक्सिमम 320 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है। अब फिर उसके साथ AMG रेव काउंटर आ गया, 8000 RPM तक जाता है। साथ आपके उतनी ही बड़ी क्लॉक आ गई है। क्लॉक का वैसे जो एस क्लासेस में जिस तरह यहाँ सेंटर में क्लॉक आती है ना, वो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर है। इस बड़ी क्लॉक के अलावा कोई और चीज़ डाल देते तो आई थिंक काफ़ी बेहतर हो जाता। तो इंटीरियर में कोई भी एस्पेक्ट E200 का आपको नहीं नज़र आएगा। कम्प्लीटली इंटीरियर भी जिस तरह स्टेयरिंग मेंशन किया था, इवन ये जो AC वेंट्स हैं, स्क्रीन लगी हुई है, हीटेड सीट्स, डैशबोर्ड, सारा कुछ E63 से ही लगाया गया है। जो सिर्फ जो चीज़ इस गाड़ी के अंदर E200 की है, वो इसकी चैसी है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट है। रेयर AC, रेयर सीट्स, पीछे भी सीट्स का इसी तरह थोड़ा बहुत बकेट डिज़ाइनिंग है। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स सेडान है। जो इसका प्रीडिसेसर था 2004 के अंदर E55, उसको वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सेडान का टाइटल दिया गया था। मेजरली इंटीरियर उसमें भी मोर और लेस इसी तरह था, बट उसके बाद जब E63 उन्होंने न्यू एंड इम्प्रूव्ड आई थी, इसके उसके अंदर सुपरचार्ज V8 था, इसके अंदर बेहतर नेचुरली एस्पिरेटेड V8 है। और एक और मज़े की बात है, 6.2 लीटर है, तो आप मतलब आप लोगों को पता होगा ऑब्वियसली ये पॉइंट, लेकिन आप कहेंगे कि E63 क्यों है इसका नाम, साइड पे 6.3 के बैजेस क्यों लगे हुए हैं। तो बेसिकली ये ट्रिब्यूट है पुरानी हेरिटेज मर्सिडीज़ को। जैसे 300 SL के अंदर 6.3 लीटर V8 इंजन आता था, तो जब नई जनरेशन मर्सिडीज़ के अंदर जब AMG ने ट्यून किया ये इंजन्स, तो उसके अंदर इंजन कैपेसिटी 6.2 हो गई। सो बट उन्होंने 6.363 का बैज उधर ही बरकरार रखा, बट दिस इज़ ए 6.2 लीटर V8। तो आपको ज़रा इस V8 का थोड़ा ट्रेलर भी करा देते हैं यहाँ पर। बस मुझे भी थोड़ा डर लगता है चलाते हुए गाड़ी, पर खैर। ग्राउंड क्लियरेंस वाइज आपको नॉर्मल करोला सिविक टाइप ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी जब आप गाड़ी ऊपर करके चलाएंगे। इसके अंदर हाइट एडजस्ट मिलता है। जब गाड़ी लोअर्ड होती है अपनी नॉर्मल स्टेट में, तब आपको थोड़ा सा स्पीड बम्प्स पे प्रॉब्लम हो सकता है, टेढ़ी करके गुजारनी पड़ती है, क्योंकि इसका जो फ्रंट स्प्लिटर है, फ्रंट लिप है, वो थोड़ा टच होता है स्पीड ब्रेकर को। तो इस गाड़ी की करंटली डिमांडिंग जो है 125 है, बट अगेन वही है, ये गाड़ियों का मकसद ही कम्प्लीटली डिफरेंट है और इनका कंपेरिजन हो ही नहीं सकता। तो एक इसका डाउन साइड ज़रूर है गाड़ी का, कि जब आप ट्रैक्शन ऑफ करके इसको चलाने की कोशिश करेंगे और आपको हैंडल नहीं करनी आती 507 हॉर्स पावर, ये गाड़ी आपको जान से मारने की कोशिश करेगी। इसकी इंजन लाइट देख के थोड़ा सा घबराएंगे कि भाई क्या हो रहा है, बस इसका सिर्फ कैट चोरी हुआ है अभी फिलहाल, बाकी इंजन कम्प्लीटली फाइन है। तो इसकी मैनूवरेबिलिटी और हैंडलिंग अपनी जगह है, बट जो आपको ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना, वो इन एंड ऑफ इटसेल्फ इस गाड़ी की वर्थ आपको पूरी कर देता है। आप खुद ड्राइव करके ट्राई करेंगे, आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि मैं क्यों इतनी तारीफें कर रहा हूँ इसकी। तो इसी तरह का ये कन्वर्टेड प्रोजेक्ट्स वगैरह पाकिस्तान में होते रहते हैं। इस इन पर्टिकुलर गाड़ी को आप खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, पार्क व्हील्स पर लिस्टेड है ये, आप इसकी टेस्ट ड्राइव करें, इंस्पेक्शन सर्विस बुक करा लें, इन डिटेल व्यूइंग करें, मोर देन वेलकम। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा।